हमारे यहाँ तो कम से कम कई सारे लोग हैं जो खुद पीएम बनने का ख्वाब दे सकते हैं। भाजपा में तो कोई ख्वाब देख ले और रात में और सुबह ताबीर पता चल जाए नरेंद्र मोदी जी को, तो अगले दिन उसके घर पे ईडी होगी। वो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और एक झटके मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम, एमजे अकबर किस डस्टबिन में उठा के डाल दिए जाते हैं पता भी नहीं चलता। किस मुंह से कहती है कि सबका साथ सबका विकास? लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को भाषण देते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, और उधर बिल्किस के बलात्कारी अगले 1.5 घंटे बाद गुजरात में छोड़े जाते हैं। सिर्फ छोड़े नहीं जाते, उन्हें माला पहनाती है भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप। दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी गाली देता है, और ऐसी गाली जो सड़क चौराहों पर दी जाने वाली गाली वो पार्लियामेंट में देता है। एक लफ्ज किसी ने नहीं बोला। वो बातें करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी तालीम हासिल करे, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दिया उन्होंने। उनका पहला नारा था कि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 58 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पास पहुंच गया, गैस सिलेंडर 1000 रुपए पार कर गया 400 में बिकने वाला। क्या नहीं महंगा कर दिया उन्होंने? धर्म की राजनीति करते हैं वो। भगवान कृष्ण को पसंद आने वाला मक्खन, छाछ, दूध, उस तक पे जीएसटी लगा दी, कफन पे जीएसटी लगा। दूसरा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे की सच्चाई तो हम आप देख रहे हैं कि ओलंपिक लाने वाली बेटियां प्राइम मिनिस्टर की चौखट पे अपना मेडल जाकर के रख दे रही हैं। जंतर मंतर पे घसीटा गया, हाथरस से लेके उन्नाव से लेके कठुआ से लेके अभी सोनभद्र में उनके एक एमएलए को 25 साल की सजा सुनाई अदालत ने। ये है उनके नारों की सच्चाई। आप कहते हैं कि लड़कियां आए तालीम हासिल करें, फिर आप कहेंगे कि नहीं अगर हिजाब पहन के आओगी तो हम तुम्हें तालीम नहीं लेने देंगे। तो दरअसल प्रधानमंत्री जी के सारे नारे जुमले हैं, झूठे हैं। देश जितना जल्दी समझ जाए उतना देश का भला। 2024 के लिए कहा जा रहा है कि मोदी ही दोबारा लौट कर आएंगे। हम नहीं मानते कि आ जाए। इंडिया अलायंस बनने के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा परेशान है कि पार्लियामेंट के अंदर इंडिया को घमंडिया कहना, जंग लगा लोहा कहना, अरबन नक्सल कहना, बार बार इंडिया अलायंस को टारगेट करना। आदाब, पॉडकास्ट विद तहजीब में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान रिजवान खान, और आज हमारे इस पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं उनका तारुफ मैं किसी की तख्लीक से करना चाहूंगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमीन पे बैठ के आसमान देखता है। और जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं जो हमारे बीच मौजूद हैं, उन्होंने जब अपने परों को खोला तो वाकई जमाने ने उनकी उड़ान देखी। बहुत कम वक्त में, बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी बटोरी, और आज जो मकाम हासिल किया है उस पर हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। इमरान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लग रहा है तहजीब के सामईन से मुलाकात करके। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट का आप हिस्सा हैं, मेहमान हैं हमारे खास। तो आपको बता दें कि हमारे इस पॉडकास्ट में थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, कुछ तलख सवाल भी होंगे। बिल्कुल, तो तैयार हैं हर सवाल के लिए? तैयार, आपकी इजाज़त हो तो। जी ज़रूर जी। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब के बारे में कौन नहीं जानता, आपको बता दें कि एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले, एक छोटे से ज़िले से आने वाले, और बहुत बड़ा परिवार अल्हम्दुलिल्लाह उनका, जिसमें उनकी परवरिश हुई, तालीम और तरबियत हुई, हिंदी लिटरेचर से उनका लगाव, फिर उसके बाद उर्दू लिटरेचर से दिलचस्पी, मुशायरों में मकबूलियत, और उसके बाद बामे उरूज पर नमोदार होना सियासत में आने के बाद। ये है उनकी छोटी सी ज़िंदगी, लेकिन बहुत बड़े कारनामे, बहुत बड़ी मकबूलियत जो उन्हें अता हुई। तो इमरान साहब, सबसे पहले यही आपसे सवाल करना चाहेंगे, और आपके जो चाहने वाले हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये जो इतने कम वक्त में आपको कामयाबी मिली या मकाम आपको अल्लाह ताला ने नवाजा जिससे, ये अता हुआ या आपका एक विज़न था या आपका एक रास्ता था, जिसको कहते हैं कि एक सोच होती है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, या जैसे जैसे अता होता गया वैसे आप लेते गए? रिजवान साहब, मेरा मानना है कि मैं ऐसी जगह पैदा हुआ कि हम वहाँ ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन उस ख्वाब को ताबीर में बदलने की कोई कोशिशें जो करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो हमारे पास नहीं थे। जाहिर सी बात है, मैं शुरू से मानता रहा हूँ कि खुदा जो है वो इंतखाब करता है लोगों का, जिससे काम लेना होता है। मेरे घर में कोई शायरी का कोई माहौल नहीं, जहाँ मैं पैदा हुआ आसपास कोई ऐसा माहौल नहीं। वालिद साहब डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन खुदा लेके गया उस दुनिया में जिससे दूर दूर तक मेरे ख़ानदान का कोई लगाव नहीं था, मेरे इलाके का कोई लगाव नहीं था। ऐसे में वहाँ मकबूलियत देना, और फिर एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये दुनिया छोटी है, ये कैनवस छोटा है, इस कैनवस को और बड़े पैमाने पर ले चलते हैं। तो मशायरों की दुनिया को स्विच करके सीधे पॉलिटिक्स में आना, और
सही जगह पर से शुरुआत करना, राहुल गांधी जी से मुलाकात होना, कांग्रेस ज्वाइन करना, सब कुछ एक सपने जैसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आखिरकार अपने पूरी ज़िंदगी को, माजी को पलट के देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि खुदा ने इंतखाब किया और वो खुद मुझे एक रास्ते पे बढ़ाता चला गया। और बिना किसी बैकअप के, बिना किसी सपोर्ट के आज जो कुछ भी मैं सामने पाता हूँ अपने, तो मुझे लगता है कि शायद उसको मुझसे कुछ काम लेना है, तो मैं अपने हिस्से का वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, इसके पीछे जिम्मेदार किसको समझते हैं, या इसके पीछे, कहते हैं ना कि किसी न किसी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है, किसी औरत का हाथ, या माँ हो चाहे बीवी हो। देखिए, ये कहावत है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे पीछे बस दुआएं रहीं, हाथ से ज़्यादा दुआओं में उठे हुए हाथ रहे। और वो माँ बाप के थे, वो वालिद साहब के थे, वो दोस्तों के थे और बड़े मुखलिस दोस्त, और जो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मेरी शायरी की वजह से जो मेरे चाहने वाले बने, उन्होंने जो मेरे लिए, मेरी कामयाबी के लिए दुआएं की जी, मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूँ। मुझ में ऐसा कुछ नहीं था, हम में ऐसा कुछ नहीं होता, खुदा हमें किसी और के हिस्से की दुआओं के सदक़े में कामयाब करता है, मैं शुरू से मानता रहा हूँ। काम लेना होता है उसे, तो वो ज़रिया बनाता है लोगों को, तो उन्हीं दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी, हम सब में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, मुझसे भी बहुत अच्छे लोग होंगे मुल्क में जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन अगर उसने मेरे हिस्से में ये एक रास्ता डाला तो शायद किसी की दुआ का असर है, मैं यही मानता हूँ। सियासत में आना, ये तो हम सब जानते हैं कि आप अचानक राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद आप सियासत में आ गए, दाखिला हो गया आपका सियासत में। आपने कभी कश्मीर के दर्द को बयां किया, कभी फ़िलिस्तीन के दर्द को बयां किया, तो सियासत में आने के बाद, क्योंकि अब आपको एक लंबा अरसा हो चुका है, सियासत के दर्द को बयां करने की कोशिश की? देखिए, सियासत का कोई दर्द नहीं है, सियासत में रहने वालों के अपने दर्द हैं। सियासत का तो कोई दर्द है ही नहीं, सियासत तो दर्द देने वाली चीज़ है। अच्छा, तो दर्द सर देने वाली चीज़ है। तो मैं हमेशा से मुद्दों पर शायरी कर रहा था, मैं लबो रुखसार ज़ुल्फ आंचल का शायर नहीं था, जिसकी वजह से मुशायरों की दुनिया में भी खूब, मतलब मुश्किलें झेलनी पड़ी, क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने मुझे, लेकिन मैंने अपना रास्ता बनाया, अपनी ऑडियंस बनाई और मैंने नज़में कहीं जो मुशायरों में अमूमन नहीं कही जाती थी, गज़लें कही जाती थी। नज़्म के शायर जो है वो हमारे मुल्क में तो मुशायरों में पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, जो कहते भी थे तो वो किताबों तक या रिसालों तक महदूद रह जाता था। तो मैंने नज़में कहीं और उन तमाम मौजू पर नज़में कहीं जो कहीं ना कहीं मुल्क के लिए एक जलता सुलगता मौजू था, जिन्हें मीडिया छोड़ देती थी, वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, वो पहलू का इशू हो, वो नजीब का गायब होना, या फिर देश में मॉब लिंचिंग के जितने इशूज़ हैं, मैं सब पे नज़में कह रहा था जी। सियासत में आने के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सियासत आपसे आपकी आज़ादी छीन लेती है, या पॉलिटिकल पार्टी से मंसूब होने के बाद आपकी एक पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं करते, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी मुझे हमेशा ये आज़ादी देती है कि मैं अपने हुनर को ज़िंदा रखूं, मैं अपनी शायरी का जो हुनर है उसके साथ इंसाफ करूं। तो मैं बीच में तो इतना मसरूफ़ हो गया था कि मुशायरे कम पढ़ पा रहा था, लेकिन इस बीच मैंने थोड़ा सा उस मसरूफियत में से वक्त निकालने की कोशिश की, तो मैं अभी भी जा रहा हूँ मुशायरों में, अभी दुबई मुशायरा पढ़ के आया हूँ मैं, और मैं फ़लस्तीन पे जो मेरी नई नज़्म है वो पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है। तो सियासत का कोई दर्द नहीं है, सियासत दर्द देती है। सर दर्द ज़्यादा देती है। तो आपको काफ़ी सर दर्द मिला है, इसका मतलब सबको होता है। वैसी दुनिया है कि वहाँ वो इलाहाबाद के एक शायर थे, बुद्धसेन शर्मा जी, उनका एक शेर है कि यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। तो वो, मतलब मैं उस शेर को कई बार मैंने उनके साथ बैठ के उन्हें सुना है, तो मैं अक्सर सोचता था कि यार ये शेर क्या, मतलब कैसे इन्होंने कह दिया कि नागन अपने बच्चों को खा जाती है जी। लेकिन अब महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो सियासत में हैं और फिर एक ऐसी मुश्किल ज़िंदगी चुन लेते हैं अपने लिए कि सच में वो कहीं के नहीं रहते। तो सियासत को सर पे मत चढ़ाइए तो सरदर्द नहीं बनेगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे
सर पे सियासत ना चाहिए। ये जो आपकी इनकलाबी नज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं या आपने जिक्र किया जिसका और शुरू से ही लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जिसको जब आप पढ़ते हैं मुशायरों के मंच पर, तो ये सियासत में आने का पहला कदम था या आप शुरू से ही ऐसे हसास थे यानी किसी की भी तकलीफ किसी की भी दर्द को देखकर खुद वो महसूस करना शुरू कर देते थे और बस कलम चल जाती थी? नहीं, वो सियासत से मेरा तो कहीं सोच में भी मेरे सियासत नहीं थी जी। ये बेसिक रूप से ये मैं शुरू से बहुत हसास था और दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा था तो सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है वो वाला एहसास हमेशा से था। वालिद साहब बहुत हसास हैं तो उनके ज़रिए जो किस्से कहानियाँ सुनते थे पूरी दुनिया के, जैसे मैंने फ़लस्तीन पे नज़्म 2012 में कही, अच्छा यानी कि आज से 11 साल पहले, मेरी उम्र बहुत कम थी जी। फ़लस्तीन का मसला इतना बड़ा दुनिया के सामने नहीं था, मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, हमारे सामने उस तरह की तस्वीरें नहीं थी, लेकिन हमने अपने वालिद साहब से उनके दोस्तों से जो किस्से सुने थे वो कहीं एक जहन में बैठा हुआ था। और जब पहली बार वहाँ मसला पूरी दुनिया के सामने आया बड़े पैमाने पर, तो मैं किसी मुशायरे में जा रहा था, मुंबई था शायद, और गाड़ी में बैठे बैठे वो 15-20 मिनट में पूरी नज़्म हुई और जो पूरी दुनिया में बहुत सुनी गई, मैं फ़लस्तीन हूँ मैं फ़लस्तीन हूँ। तो वो आपके दिल का हसास होना ही इस बात का सबूत है कि आप इस तरह की चीज़ें कह पाते हैं, वरना तो वही लबो रुखसार, वही जुल्फ आंचल, वही खतूत, वही आशिकी पीना पिलाना, इसके अलावा तो शायरी को तो बिल्कुल एक तरह से अलग ही दुनिया की शायरी माना जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक अपने हुनर के साथ इंसाफ किया जी। जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इनकलाबी शायरी की जाती थी, कुछ ऐसे नाम रहे जैसे सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या माखनलाल चतुर्वेदी या हसरत मोहानी साहब की बात करें जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया, तो उस दौर में तो अंग्रेज़ थे, इस दौर में कौन है? नए अंग्रेज़ हैं। मेरा एक शेर है कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊँगा, नए अंग्रेज़ आए हैं नया गांधी बनाऊँगा। तो इस दौर में नए अंग्रेज़ हैं और हम जहाँ से पढ़ के आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लाल पद्मधर वहाँ एक बड़े इनकलाबी नेता थे, वो स्टूडेंट्स के लीडर थे और उनको अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी, तो उनकी प्रतिमा आज भी वहाँ लगी है। तो हम उस ज़मीन से उठ कर के आए हैं कि चाहे वो उस वक्त के अंग्रेज़ थे या इस वक्त के अंग्रेज़ हैं, लड़ाई जारी रहेगी, वो कलम से भी जारी रहेगी। और अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है सियासत का, पार्लियामेंट हमारे पास है, तो हम उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और मैं जिस दिन से पार्लियामेंट पहुंचा हूं, वो सड़क हो पार्लियामेंट हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसलिए ज़िंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाली नस्लें मुझे खामोश जबान वाले इंसान के तौर पर याद ना रखें, उन्हें लगे कि एक मुश्किल वक्त में जब दुनिया चुप थी तब एक आदमी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था, बोल रहा था जी। मैं वो कर रहा हूँ। मुरादाबाद से आप लोकसभा चुनाव लड़े, पहली बार हार गए, जाहिर बात है मायूसी हुई होगी थोड़ी सी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या वजह समझते हैं, क्योंकि वही सामाइन जब आपको मुशायरे के मंच पर सुनते हैं, मुशायरों की महफिलों में सुनते हैं, तो वाह वाह करते हैं, उनके मुंह नहीं थकते, बड़े बड़े अजीम शोरा इकराम को नज़रअंदाज करके आपको सुनना पसंद करते हैं, घंटों तक वंस मोर के नारे या जितनी देर आप मंच पर खड़े हों उतनी देर सामाइन आपको सुन सकते हैं, लेकिन वही सामाइन जब वोटर बनता है तो आपको वोट नहीं देता, इसकी क्या वजह आपको समझ में आई? नहीं, दरअसल आपने आज मशायरों में, आप मुझे आज सुन रहे हैं, पिछले 5 साल से 7 साल से 10 साल से तब आप देख रहे हैं ना कि वो आवाम पलकों पे बिठा ले रही है, फूल बरसा रही है, वाह वाह कर रही है, बड़ों को नज़रअंदाज करके भी मुझे सुन रही है। लेकिन उससे पहले की मेरी शुरुआत की ज़िंदगी में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन मशायरों में आया और पहले ही दिन छा गया। एक लंबा संघर्ष है, मुश्किलें हैं, बैठ के ज़मीन में मैंने बड़ों को सुना है। तो आप मुरादाबाद की जो मेरी चुनावी ज़िंदगी है वो मेरी शुरुआत थी। अच्छा। मैं 2019 में सीधे टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ने के लिए चला गया, 17 दिन मुझे मिले जी। तो वहाँ मैं चुनाव नहीं जीत सका, क्योंकि उसके बहुत चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं, नहीं जीत सका चुनाव। लेकिन वो मायूसी जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मुशायरों में बहुत सारे मुशायरे ऐसे गुजरे हैं जब मैं पॉपुलर नहीं था, जब मैं नया नया आया था तो मुझे भी उसी तरह सुना जाता था जैसे पहले चुनावी उसमें सुना गया या वोट दिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि मैं मुसलसल अवाम के बीच में हूं और बतौर सियासी लीडर अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा हूं, और उसके बाद के रिजल्ट जो हैं, मैं जहां भी जा रहा हूं, कैंपेन में जा रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं,
लोग मोहब्बत दे रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि मुश्किल हालात में दो तरफा लड़ रहा हूँ, चौतरफा लड़ रहा हूँ, लेकिन अपनी बात पर पुरजोर तरीके से कायम रहते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। और उसका असर ये हो रहा है कि वो तेलंगाना हो, वो राजस्थान हो, वो कहीं का भी इलेक्शन हो जहाँ कैंपेन करने जा रहा हूँ, जो पार्टी रोल दे रही है उस रोल को प्ले कर रहा हूँ और आवाम मुत्तहिद होकर यकीन कर रही है। मैं राजस्थान में 7 सीटों पर कैंपेन करने गया, 7 की 7 जीते। मध्य प्रदेश में पूरे महाकौशल में जबलपुर रीजन में 1 सीट कांग्रेस जीती जहां मैं कैंपेन करने गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वजह से ही जीती, लेकिन वोट में तब्दील हुई चीजें तभी तो जीती। तेलंगाना में हमने हुकूमत बनाई, एक ऐसा स्टेट जहां 154 उलेमा ने और प्लस MIM जैसी पार्टी के लीडरान सब एकजुट होकर के BRS की ताईद कर रहे थे और वहां हम जैसे कुछ चंद नौजवान कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और हुकूमत बनी हमारी। तो आप पहले एक इलेक्शन के बाद का आप पूरा मतलब रद्द अमल देखेंगे आवाम का, तो आप पाएंगे कि आवाम यकीन कर रही है। और एक लंबी मेहनत है, यकीन जमाना पड़ता है, धीरे धीरे और जमेगा। तो उम्मीद है कि 2024 में आपको टिकट मिलने की गुंजाइश है और आप जीतेंगे। पार्टी अगर कोई रोल देगी तो जरूर लड़ेंगे। अभी तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं 28 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ जी, तो राज्यसभा में हूँ, तो पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर बनाया है, तो अभी उस पर बहुत काम करना है। अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। पार्टी चुनाव लड़ने को कहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा, और इस बार लड़ूंगा तो जीतूंगा जी। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है जी। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन की आपने बात की, नेशनल चेयरमैन है आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि क्या प्लानिंग है आपकी 2024 के लिए, क्या कर रहे हैं ज़मीन पर उतर कर। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पार्टी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट होता है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही नहीं। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं, बिल्कुल मैं ये क्लियर कर दूँ, उसमें जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं और मुसलमान है, 6 कम्युनिटी है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। उसी तरह पार्टी में दलित डिपार्टमेंट है, उसी तरह OBC है, उसी तरह फिशरमैन है, उसी तरह महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, तो एक पार्ट हम भी हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बूथ लेवल तक अपनी टीम बना रहे हैं, पहली चीज़ तो ये, हर स्टेट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। और मैंने अपने आने के बाद लीगल विंग बनाया, तो मुल्क में कहीं भी अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लीगल तौर पे लोगों की मदद कर सके। बाकी पार्टी का जो मेन विंग है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी दलित माइनॉरिटी रिलेटेड सीट्स हैं जहां अच्छे परसेंटेज हैं हम वहां पे काम कर रहे हैं, और खुदा ने चाहा तो 2024 में उसका रिजल्ट आपको ग्राउंड पे दिखेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट में या सिर्फ एक सूबे में। जैसे आपने कहा कि जिस जगह आप गए वहाँ पर इलेक्शन के दौरान आपने कैंपेन किया, तो वहाँ आप लोगों ने सुना आपको और वहाँ वोट तब्दील भी हुए कांग्रेस के लिए। और हाल ही में देखें तो जब कांग्रेस स्थापना दिवस पर आपको मंच मिला नागपुर में, बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सीनियर लीडर्स मौजूद थे कांग्रेस के, वहाँ आपने जब तकरीर की तो लोगों ने सुना उसको। और विदर्भ ये देखा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, कि वहाँ पर कांग्रेस के अच्छे खासे वोटर हैं। 2024 के लिए कहा जा रहा है कि मोदी ही दोबारा लौट कर आएंगे और BJP ही सरकार बनाएगी। आपके लिए चैलेंजिंग भी है, लेकिन आपकी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग से आपको क्या लगता है कि आप वोटर्स को उसी तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे जैसे बाकी? देखिए, एक तो आपने विदर्भा का जिक्र किया, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूँ राज्यसभा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का अलायंस है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 48 सीट्स हैं जिसमें कम से कम 40 सीट MVA जीतेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, और उस बात को आपके जितने सर्वे भी आए हैं इस बीच, जो प्री सर्वे हैं CO या और बाकी, उसमें भी ये बात वो कह रहे हैं। 30 सीट तो वो खुद दिखा रहे हैं, तो वहाँ MVA को बढ़त दिखा रहे हैं NDA पर। दूसरी ये बात के जो ये मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नहीं जीतेंगे और इतनी सीटें, और देखिए आप ज़मीनी हकीकत देखिए, इंडिया अलायंस बनने के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा परेशान है कि पार्लियामेंट के अंदर इंडिया को घमंडिया कहना, जंग लगा लोहा कहना, अर्बन नक्सल कहना, बार बार इंडिया अलायंस को टारगेट करना। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं कि अगर वोटों का बंटवारा नहीं हुआ और स्टेट वाइज सही से अलायंस इंप्लीमेंट हो गया तो राह आसान नहीं है। बंगाल में पिछली बार 18 सीटें जीती उन्होंने, इस बार 8 नहीं जीत पाएंगे। बिहार आप आ जाइए,
बिहार में 40 सीट है और पिछली बार कांग्रेस पार्टी का अलायंस जो था वो सिर्फ एक सीट जीत पाया था। इस बार उन्हें भी पता है कि बिल्कुल उल्टा मामला हो गया है, नीतीश जी, राजद, लेफ्ट, कांग्रेस सब मिल करके वो रिजल्ट पलट भी सकता है जो पिछली बार था, वो इस बार वैसा ही रिजल्ट होगा लेकिन पलट के। तो सिचुएशन बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि बदला नहीं है, लेकिन मीडिया के जरिए सुबह शाम जहनों को जो कैप्चर करने की कोशिश है कि नहीं नहीं सुबह 24 घंटे में 24 घंटे मोदी जी टीवी बने रहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, भाई ट्रक ड्राइवर्स ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान नाराज हैं, नौजवान नाराज हैं, नौकरियां नहीं है, महंगाई आसमान पर है, फिर भी जो जिताने की कोशिश है कि आएंगे तो कोई बुनियादी मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, धर्म की अफीम सुंघाने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि हम ग्राउंड पे उतर के अभी न्याय यात्रा 14 स्टेट में जा रही है, मणिपुर जहां कभी प्रधानमंत्री झांकने नहीं गए, एक लफ्ज नहीं बोला, हम वहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं, वहां से नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए मुंबई तक इस यात्रा को जाना है। और हमें पूरा यकीन है कि पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत मजबूती के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक सपोर्टिव रोल में रहे, मैं खुद मौजूद रहा, और इस न्याय यात्रा में भी मैं पूरा वक्त राहुल गांधी जी के साथ मौजूद रहूंगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन मौजूद रहेगा, हर स्टेट में जहां से यात्रा गुजरेगी वहां हमारे वॉलंटियर्स, वर्कर्स सब मौजूद रहेंगे। तो हम बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में अपना रोल प्ले करने चल रहे हैं। जी, इंडिया अलायंस का आपने जिक्र किया, तो इंडिया अलायंस पर अभी से ही सवाल उठने लगे हैं, सवाल इस तरह के कि आपस में मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा जब उनका इंटरव्यू कर रहा था कि उनकी गठरी में जितने छेद हैं आपस में हैं उतने मतभेद हैं, तो ये हम देख भी रहे हैं, कभी अखिलेश यादव, कभी ममता बनर्जी, अब नीतीश कुमार की बात हो रही कि वो नाराज़ हैं, तो क्या आपको लगता है कि नहीं सब एक हो जाएंगे आखिर में आकर के, क्योंकि सबकी अपनी या तो मजबूरी है या बीजेपी को हराना है? देखिए, पहली बात तो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दो अलायंस हैं इस देश में। जी, इंडिया अलायंस में 28 पार्टियां हैं, 28, और एनडीए अलायंस में 38 पार्टियां हैं, 38। उनकी क्या मजबूरी है, वो क्यों एक साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्यों साथ देना पड़ रहा है जीतन राम मांझी को, ओम प्रकाश राजभर को, पासवान को, इन जैसी दल AIDMK को क्यों साथ लेना पड़ रहा है? इंडिया अलायंस को तो वो कह रहे हैं कि मजबूरी का गठबंधन है, उनका गठबंधन किस बात का गठबंधन है, उनके यहाँ कौन सी मजबूरी है? अगर मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं छेद हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हों, एम जे अकबर हों, जफर इस्लाम साहब हों, ये खुद कहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी में, इन्हें पता है? इनकी अहमियत पार्टी में क्या है, इन्हें पता है किस बुनियाद पर कौन सी बात कर रहे हैं? वो तो अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए मीडिया में इस तरह के बयान देने के अलावा उन्हें पता भी नहीं है कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में चल क्या रहा। तो सच्चाई ये है कि इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ, हमारे पास तो एक कॉज है, एक 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 सिंबल है, और वो सिंबल है कि हमें डेमोक्रेसी बचाना है, हमें आईन बचाना है, जमहूरियत बचाना है। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के जो बाकी लोग हैं उनके पास तो कोई मिशन भी नहीं है, मिशन से भटके हुए लोग हैं। वरना जीतन राम मांझी तो वो हैं कि वो देवी देवताओं के खिलाफ जो जो बातें करते थे कि भाजपा ही उनके खिलाफ बयान देती थी, और आज जेपी नड्डा उनको खुद चिट्ठी लिख करके बुलाते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पुराने स्टेटमेंट याद हैं आपको, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, नड्डा जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, योगी जी के बारे में, आज उन्हीं ओम प्रकाश राजभर को चिट्ठी लिख के बुलाते हैं। कौन सी मजबूरी है भाजपा की? ये मीडिया के जरिए जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि किसी तरह इंडिया अलायंस अलग अलग दिखे, नहीं भैया, इंडिया अलायंस एकजुट है, हर स्टेट में अपना रोल प्ले करेगा, जो वहां मजबूत दल होगा वो लीड करके आगे बढ़ेगा। और खरगे साहब का प्रस्ताव कांग्रेस ने तो रखा नहीं, वो तो ममता बनर्जी ने कहा, किसी और ने कहा, और खरगे साहब ने खुद आगे बढ़ के कह दिया कि ये तो बाद में तय किया जाएगा। तो ये चीजें कहीं से कोई विवाद पैदा करने वाली चीजें तो है ही नहीं, ये तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक सबूत है। हमारे यहां तो कम से कम कई सारे लोग हैं जो PM बनने का ख्वाब दे सकते हैं, भाजपा में तो कोई ख्वाब देख ले और रात में और सुबह ताबीर पता चल जाए नरेंद्र मोदी जी को, तो अगले दिन उसके घर पे ईडी होगी। भाजपा में दूसरा कौन है जो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख सकता है इस वक्त? नहीं देख सकता कोई ना, हमारे यहां तो देख सकते हैं लोग ना। तो आप इंडिया अलायंस को बहुत मजबूत मानिए ग्राउंड पे, और उसका रिजल्ट में आपको उसका दिख भी जाएगा असर। इंडिया गठबंधन की बात करें तो क्या PM के लिए राहुल गांधी खुद को काबिल नहीं मानते इसलिए उनका नाम सामने नहीं आ रहा,
या इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर्स नहीं चाहते कि वो पीएम बने? नरेंद्र मोदी से हजार गुना काबिल है ना राहुल गांधी, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा फिट हैं, उनसे ज्यादा यंग हैं। 4,000 किलोमीटर हिंदुस्तान की सड़कों पे चल के खाक छान के उन्होंने हिंदुस्तान की नब्ज समझने की कोशिश की। वो मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते, झूठे वादे नहीं करते, जुमले नहीं देते, सच्ची बातें करते हैं, विजनरी हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और क्या काबिलियत होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी में तो इसका 5% भी नहीं है जी। नहीं, नाम आगे नहीं आ रहा। नाम हम कह रहे हैं राहुल गांधी जी का जो पहला मिशन है, उनका सीधे कहना है कि मैं लोगों को जोड़ने के लिए हूं, जोड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। तमाम आईन और जमहूरियत की लड़ाई लड़ने वाली जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एकजुट करूंगा, आगे बढ़ूंगा, फिर देखा जाएगा आगे चल करके। अभी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, बाकी जो कन्वीनर होगा इंडिया अलायंस का, बहुत सारी चीजें एकजुट होकर के अंजाम तक पहुंचती हैं, तो वो वक्त आने दीजिए, वो भी तय हो जाएगा। मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री बने। उससे अच्छा, उनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई साबित नहीं हो सका होगा। वो जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे आपको लगेगा कि किसी विजनरी आदमी ने इस देश को चलाया। एक बार वो मुल्क के प्रधानमंत्री बन जाए देश को समझ में आएगा कि देश अब तक किस आदमी को नजरअंदाज किए बैठा था। अच्छा, राम मंदिर की बात करते हैं। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। अधीर रंजन जी या खड़गे जी या सोनिया जी को न्योता मिला है, अगर इमरान प्रताप गढ़ी को न्योता मिला तो क्या आप जाएंगे? देखिए, पहली बात तो इमरान प्रताप गढ़ी को न्योता देने की भूल क्यों करेंगे वो जी। दूसरी बात, वो कौन होते हैं न्योता देने वाले? उनको ठेकेदार किसने बनाया? किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक कैसे हो गया कि वो ठेकेदार बन जाए? किसी भी मजहब के मानने वाले हों, जिस भी खुदा को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी मर्यादा पुरुषोत्तम को वो मानते हैं, उसका उनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है? किसी के बुलाने पे जाएंगे? मुझे लगता है कि वो हैं कौन बुलाने वाले, मैं नहीं मानता उन्हें। ऐसे किसी भी न्योता देने वाले ठेकेदारों को मैं नहीं मानता हूं। मैं खुदा की इबादत करता हूं तो मेरा उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। अच्छा, इलेक्शन से तुरंत पहले बीजेपी ये उद्घाटन करने जा रही है, तो क्या इससे उनको आने वाले लोकसभा इलेक्शन में फायदा होगा? नहीं, देश, मुझे लगता है कि देश जागरूक है। जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या नहीं होगा, सब्जी सस्ती होगी या नहीं होगी, आटा चावल सस्ता होगा या नहीं होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आवाम जो है वो समझेगी कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए रोज़मर्रा के जो काम है, जो उसकी नौकरी है, वो बड़ा मुद्दा है। ये अगर भाजपा इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब भाजपा का 10 साल का जो शासन है वो फेल है पूरी तरह से। बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, पिछले साल 160 करोड़ रुपये बजट, खासतौर पर मदारिस के लिए, क्योंकि मदारिस पर आपने लिखा भी है, मदारिस पर आपकी जो नज़म रही काफ़ी मकबूल रही और हकीकत आपने बयां करने की कोशिश की अपने नज़म के ज़रिए। इस साल का बजट देखें तो 10 करोड़ रुपए। यही तो है नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई। वो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और एक झटके में, मैंने फिर कहा ना, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम, एमजे अकबर, किस डस्टबिन में उठा के डाल दिए जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक भी टिकट लोकसभा में किसी मुसलमान को नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। किस मुंह से कहती है कि सबका साथ सबका विकास? लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को भाषण देते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, और उधर बिल्किस के बलात्कारी अगले 1.5 घंटे बाद गुजरात में छोड़े जाते हैं। सिर्फ छोड़े नहीं जाते, उन्हें माला पहनाती है भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप। ये है उनके सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई। दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी गाली देता है, और ऐसी गाली जो सड़क चौराहों पर दी जाने वाली गाली वो पार्लियामेंट में देता है। आज तक प्रधानमंत्री हों, जेपी नड्डा जी हों, एक लफ्ज किसी ने नहीं बोला। ये है उनके सबका साथ सबका विकास की सच्चाई। वो बातें करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी तालीम हासिल करे। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दिया उन्होंने, मदरसा के जो की स्कॉलरशिप थी, प्री मैट्रिक, मैट्रिक, सारा कुछ, मतलब जिसको कहते हैं ना कि किस तरह से दबा दिया जाए, किस तरह से कम कर दिया जाए, किस तरह से बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट बिल्कुल कम कर देना। ये सरकार ईमानदार नहीं है ना। सरकार बात तो करती है कि मुसलमान तालीम हासिल करे, लेकिन जिस तरह से उनकी स्कॉलरशिप आप ले ले रहे हैं, जिस तरह से
जिस तरह का माहौल पूरे देश में आपने नफरत का खड़ा कर रखा है, आपकी सरकार बनेगी तो आप हिजाब एक नया इशू ला करके जबरदस्ती का खड़ा कर देंगे कि नहीं हिजाब पहनी हुई, आप कहते हैं कि लड़कियां आए तालीम हासिल करें, फिर आप कहेंगे कि नहीं अगर हिजाब पहन के आओगी तो हम तुम्हें तालीम नहीं लेने देंगे, एग्जाम से बाहर निकाल देंगे। ये जो जहनियत है वो बताती है कि दरअसल आप चाहते नहीं है, आप सिर्फ बातें करते हैं और तमाशा खड़ा करना चाहते हैं। हम उस तमाशे के खिलाफ हैं। सिर्फ मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कर देना भर, उससे कितनी आबादी इस मुल्क में मदरसों में पढ़ रही है, पूरे आप माइनॉरिटी की ही पूरी आबादी देखेंगे तो उसका बहुत थोड़ा परसेंट है जो मदरसे में जा रहा है। बाकी बच्चे जो तालीम जिनको मिलनी चाहिए उनको तालीम देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप प्राइमरी जो स्कूल्स आपके हैं उसके तालीमी मेयार क्या है वो आपने कभी उस पर गौर किया? नहीं किया आपने उस पर। वहां अकलियतों के बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए कोई प्लान सरकार के पास है? नहीं है। सरकार ईमानदार नहीं है इस मामले में, झूठ बोलती है सरकार, बहाना लेती है बजट में कटौती करने के लिए बहाना, वो चाहे मदरसे के लोगों का बजट हो या माइनॉरिटी से जुड़े बाकी बजट हो, आपने हर जगह तो कटौती कर दी। सरकार कहती है कि हम मजहबी तालीम पर खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हाल ही में देखा गया अभी आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने तकरीबन 1280 मदरसों का जो उसको है तब्दील कर दिया इंग्लिश स्कूल में, कि मदारिस जहाँ पर पढ़ाया जा रहा था जिसमें कुरान हदीस की तालीम या मॉडर्न एजुकेशन भी था, उन्होंने कहा कि हम मजहबी तालीम पर खर्च नहीं करेंगे। भाई आप लाखों दिए जला सकते हैं तो इल्म के दिए जलाने में क्या दिक्कत है? करोड़ों दिए जला रहे हैं तो इल्म के दिए भी जलाइए ना, शिक्षा के भी दीप जलाइए ना, उस जलने में पैसे खर्च होंगे तो करिए। ये दिखाता है कि उनके जितने भी नारे हैं दरअसल वो सारे झूठे हैं, उनकी पूरी राजनीति झूठ पे टिकी हुई है। उनका पहला नारा था कि महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, 2013-14 में आया हुआ है नारा, और उसके बाद सरकार बनने के बाद इस नारे की सच्चाई, 58 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पास पहुंच गया, गैस सिलेंडर 1000 रुपए पार कर गया 400 में बिकने वाला, क्या नहीं महंगा कर दिया उन्होंने? धर्म की राजनीति करते हैं वो, लेकिन भगवान कृष्ण को पसंद आने वाला मक्खन, छाछ, दूध, उस तक पे जीएसटी लगा दी, कफन पे जीएसटी लगा दी, पेंसिल पे जीएसटी लगा दी, ये है भाजपा सरकार। ये पहला नारा था। दूसरा नारा उनका था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे की सच्चाई तो हम आप देख रहे हैं कि ओलंपिक लाने वाली बेटियां प्राइम मिनिस्टर की चौखट पे अपना मेडल जाकर के रख दे रही हैं, जंतर मंतर पे घसीटा गया, हाथरस से लेके उन्नाव से लेके कठुआ से लेके अभी सोनभद्र में उनके एक एमएलए को 25 साल की सजा सुनाई अदालत ने, ये है उनके नारों की सच्चाई, सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई तो आप देख ही रहे हैं। तो दरअसल प्रधानमंत्री जी के सारे नारे जुमले हैं, झूठे हैं, देश जितना जल्दी समझ जाए उतना देश का भला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें तो कुछ मुसलमान का एक बड़ा तबका है जो ये कहता है कि वो बीजेपी की भी पार्टी है, आप कितना सच मानते हैं इस बात को? क्या वाकई ऐसा है? नहीं, हमने देखा है, हम तो हर उस जगह जाकर देख रहे हैं जहां वो भाजपा को मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी वो काम। लेकिन तेलंगाना में उनकी बात आवाम ने नहीं मानी, तो शायद तेलंगाना की आवाम समझ रही है इस बात को, उनके कहने पे बीआरएस की सरकार को रिपीट नहीं किया आवाम ने, और उसी आवाम ने जिसे वो अपना कोर समझते हैं उसी आवाम ने ठुकरा दिया, तो कहीं ना कहीं आवाम समझ रही है, मेरे समझने ना समझने से क्या होता जी। 2024 में अगर बीजेपी आ जाती है हिंदुस्तान में एक बार फिर से और मोदी सरकार बन जाती है, कांग्रेस का क्या फिर आगे का प्लान है? हम नहीं मानते कि आ जाएगी, फिर 2024 के रिजल्ट के बाद फिर इसका जवाब देंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। अच्छा, अभी हम नहीं मानते। इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती है तब क्या प्लानिंग होगी? इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी तो हम इस देश में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी सरकार कुछ अलग से ना करे, सिर्फ संविधान की किताब में जो जो लिखा है उसको जमीन पर लागू कर दे, मुल्क सोने की चिड़िया बन जाएगा, हर आदमी को अपनी मर्जी से जीने, खाने, पहनने, इबादत करने का, पूजा करने का हक दे दे, बहुत सारी दुश्वारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। 2014 से पहले सड़क पे कोई किसी को मार देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था ना, आज तो एक भीड़ है लिंच कर दे रही है आपको। तो सरकारों को इतना शर्म अपनी आंखों में रखना पड़ेगा, एक बहुत पतला सा बारीक सा भरम का एक पर्दा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो पर्दा खत्म कर दिया है, उसे गिरा दिया है। जरूरत है कि वो जमहूरियत और आईन का एक भरम वाला जो पर्दा है ना, वो पर्दा फिर से खड़ा किया जाए, और हमारी सरकार आएगी तो हमने हमेशा, हमने मनरेगा दिया इस देश को, इस देश में जो कुछ अच्छा है हमने हमेशा आवाम की बेहतरी सोची, हमने
वर्ल्ड मार्केट से महंगा तेल खरीद करके हिंदुस्तान में सस्ता बेचा, डीजल और पेट्रोल, और यह सरकार सस्ता खरीद के महंगा बेच रही है। यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, चंद उद्योगपतियों की, हम आवाम की सरकार है। इस सरकार का प्राइम मिनिस्टर 10 लाख रुपए के सूट पहनता है, 8400 करोड़ रुपए के जहाज में चलता है। हमारा नेता पैदल चलता, 1000-2000 की टी शर्ट पहनता है, पैदल चलता है, कम से कम 8500 करोड़ के विमान में नहीं चलता। हम गरीबों जैसा दिखते हैं, हम गरीबों के हक की बात करते हैं, इसलिए उनके साथ खड़े नजर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर अमीरों की वकालत करते हैं, वो अमीरों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये बुनियादी फर्क है। हम आएंगे तो गरीब महसूस करेगा कि उसकी सरकार आई है, और हमें पूरा यकीन है कि हम आएंगे 2024 में। 3 सूबों में हारने की वजह क्या ईवीएम मानते हैं या कुछ कमी रह गई? देखिए, कुछ रणनीतिक चूक रही। ईवीएम को लेकर पूरे देश में एक सवाल है, लोगों के मन में शक है, और इंडिया अलायंस ने एक चिट्ठी भी लिखी है इलेक्शन कमीशन को, और वो शक दूर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसे अपनी साख बचाने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। तो अभी इंडिया अलायंस उस पर लगातार बातचीत कर रहा है, और जल्दी ही एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिलेगा इस सिलसिले में। जी, माइनॉरिटी की बात करें तो मुसलमान तो कांग्रेस की तरफ है ही, और बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस की तरफ, जैसे आपने कहा 2024 में देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने या कांग्रेस फिर से आ जाए, बीजेपी सरकार चली जाए। लेकिन जो बरादरान वतन है, उसके लिए, उसको अपनी तरफ करने के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट या कांग्रेस क्या कर रही है 2024 के लिए? देखिए, ये पहली बात तो यही नैरेटिव भाजपा चाहती है कि बनेगा, मुसलमान तो कांग्रेस के साथ है ही। जी, 2% मुसलमान है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार है, मुसलमानों ने सरकार नहीं बनाई है वहां पर। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं बनी, एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने वोट किया, तब कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटका में बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों ने वोट किया, तब कांग्रेस की सरकार बनी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ में 2.5% माइनॉरिटी है, मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी 2.5% है, और वहां हमें 40% वोट मिला है। तो किसने वोट किया हमें? राजस्थान में किसने वोट किया हमें? मध्य प्रदेश में किसने वोट किया? ये नैरेटिव ही तो भाजपा चाहती है कि हाँ, मुसलमान तो कांग्रेस के साथ है ही। तो जाहिर सी बात है, मुसलमान कांग्रेस के साथ है तो बस पूरा बाकी सब हमारे साथ आ जाए। ये जो नैरेटिव का खेल है ना, बहुत बारीक सा, इस खेल को मैं समझता हूं। जी, ये भाजपा बनाने की कोशिश करते है। इस मुल्क का अमन पसंद हर इंसान कांग्रेस के साथ है, हमें उस तादाद को थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, एकजुट करने की जरूरत है, और जो छोटी छोटी बूथ लेवल की जो मैनेजमेंट वाली कोशिश है उसे करने की जरूरत है, वो कर लेंगे तो आज किया होता शायद हमने मजबूती से, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का रिजल्ट भी अलग होता, वहाँ हम चूके थोड़ा। एज अ पॉलिटिकल लीडर या एज ए एमपी, आप क्या पैगाम अपनी जनता तक, लोगों तक, आवाम तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, आवाम से मेरा सबसे पहला तो ये कहना है कि डरिए मत, ये वक्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हर मुश्किल वक्त ढल जाता है। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा, वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, बदल जाएगा। एक पूरी पीढ़ी है जो मजबूती के साथ तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है बिना डरे हुए। हम आईन बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने की हर कोशिश करेंगे, वो आईन, वो जमहूरियत जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी की अगुवाई में इस देश को दिया है, हम उसे पामाल नहीं होने देंगे। तो आप यकीन रखें, भरोसा रखें, हिम्मत रखें और लड़ते रहें, आवाज़ उठाएं, जहां भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, आपके पास वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूं अमूमन, कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो शहर की सड़कों पे जश्न मनाने निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है। एक फकीर जो है वो सड़क के किनारे कंबल ओढ़ करके, चादर ओढ़ के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास गया और उसने जोर से लात मारी और कहा, उठ, सो रहा है तू, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया। तो उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर को देखा और कहा कि तुमने शहर फतेह कर लिया, हो सकता है, लेकिन शहर फतेह करना इंसानों का काम है, बादशाहों का काम है, ये लात मारना तो गधे का काम है। तो क्या खुदा के कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई जो उसने एक बादशाहत गधे के हाथ में सौंप दिए?
तो उसी फकीर की तरह आवाज उठाइए, हर भेड़ चाल में शामिल मत होइए, यकीन रखिए हालात बदल जाएंगे। ये जितना चरम पे जा सकते थे वो अपने चरम पर हैं, अब वहां से ढलान है और वो ढलान 2024 के रिजल्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। जी चलिए, उम्मीद है कि जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी या कांग्रेस आपकी पार्टी की प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी, वो कामयाब हो। हमारी तो यही दुआएं आपके साथ, और निजी तौर पर आप भी जिस तरह से मकाम आपको मिला है, और ज़्यादा तरक्की आप करें, हमारी ये भी दुआएं आपके। आमीन, शुक्रिया। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो अपनी बेबाकी के लिए, अपनी तकरीर के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं। आज भी बड़ी बेबाकी से उन्होंने सारे सवाल के जवाब दिए, और हमें बड़ी खुशी हुई कि इतना वक्त उन्होंने हमें दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। तो अगले पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।